नमस्कार दोस्तों, इस विश्लेषण में आप जानेंगे कैसे चीनी राष्ट्रपति दौड़े दौड़े पाकिस्तान आए हैं। क्या सचमुच पाकिस्तान चीन की गोदी से बाहर आ रहा है? आखिर क्या वजह है कि सीपैक अब पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन गया है? देखिए मेरे साथ। बड़ी प्रचलित बात है, पाकिस्तान किसी का सगा नहीं और ऐसा कोई मुल्क नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। मतलब ये पाकिस्तान है, एक ऐसा पाकिस्तान जिसके नाम में पाक है पर इसकी पीठ पर मुगलों की छाप है। यानी इनके रक्त में आज भी उसी दगाबाजी का डीएनए प्रवाहित हो रहा है जिसमें पीठ पर वार करने से लेकर सत्ता के लिए अपनों की ही भेंट चढ़ा दी गई। फिर अमेरिका और चीन जैसे देश इसके लिए क्या मायने रखते हैं? इस वक्त चीन को पसीने आए हुए हैं। 1950 से चीन की गोदी में बैठा यह मुल्क अब वहां से सरक कर जमीन पर आ जाना चाहता है। चीन अब पाकिस्तान के लिए अप्रासंगिक मुल्क होने लगा है। इसकी वजह यह है कि सीपैक को लेकर पाकिस्तान जिन सपनों में खोया हुआ था अब वह धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान को सीपैक से उन्नति के ख्वाब दिखाने वाले चीन के मंसूबे पाकिस्तान में चीनी कॉलोनी के रूप में पाकिस्तानी जनता के सामने आए हैं, जिससे पाकिस्तानी जनता अब अपने ही मुल्क में हाशिए पर जा रही है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को इसी सीपैक ने दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क बना दिया। हालत यह है कि आज पाकिस्तान दिवालिया होने की दहलीज पर खड़ा है। इस मुल्क की जीडीपी 2.5% की तरफ सरक रही है, महंगाई दर 9% को पार कर चुकी है। पाकिस्तान जो अपना सब कुछ सीपैक पर लुटा चुका है अब अपने लिए अंतिम विकल्प के रूप में आईएमएफ के भरोसे रह गया है। मगर समस्या यहां भी बहुत बड़ी है। आईएमएफ ने जो 6 अरब डॉलर का कर्ज देने की बात कही है वह 3 सालों तक किस्तों में ही मिलेगा। मतलब यह धन एक मुश्त नहीं मिल रहा है। उधर सऊदी अरब ने एक रैम और कर दिया है कि 1.5 अरब डॉलर का तेल पाकिस्तान को 1 साल की उधारी पर मिल रहा है, पर वर्तमान पाकिस्तान की हालत के लिए यह अपर्याप्त है। पाकिस्तान को इस वक्त कम से कम 8 से 10 अरब डॉलर की दरकार है जिससे इस मुल्क की गाड़ी पटरी पर चलने के लायक बन सकती है। चीन चालाक देश है, उसे एहसास हो गया है छोरा काबू से बाहर जाने के लिए फड़फड़ा रहा है। इसी छोरे ने सीपैक से जुड़े दस्तावेज आईएमएफ को सगुन में देकर चीन को इसके संकेत भी दे दिए हैं। पाकिस्तान चीन को आगाह कर रहा है कि दोस्ती रहेगी पर पाकिस्तान की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मतलब बिल्ली अपने मालिक की तरफ म्याऊं कर रही है, पर इसके पीछे भी पाकिस्तान की दगाबाजी और ठगबाजी वाली प्रवृत्ति ही काम कर रही है। दरअसल पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान को लात मारी थी, जिसके बाद अमेरिकी भीख पर निर्भर यह मुल्क पूरी तरह चीन के कदमों में बैठकर नमाज पढ़ने लगा। इमरान खान को उम्मीद थी कि चीन के पाले में जाने से 2 में से 1 योजना जरूर सफल होगी, अमेरिका उसे फिर से पुचकारने आ सकता है, अन्यथा चीन उसे कंधे पर बिठाकर जरूर नाचेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की निगाह चीन के 400 अरब डॉलर के खजाने पर पड़ी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन जैसा दोस्त मुल्क पाकिस्तान की उन्नति के लिए 8-10 अरब डॉलर आराम से दे देगा, मगर चीन व्यापारी देश है, वह निकम्मे देशों को कर्ज नहीं बस मर्ज दे सकता है। यहां उसे 3 अरब डॉलर पाकर ही संतोष करना पड़ा, जो पाकिस्तान के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुए। पाकिस्तान समझ रहा है कि उसे चीन के चंगुल से निकलना है तो सीपैक नामक उस बेल को काटना पड़ेगा जो पूरे पाकिस्तान के लिए फांसी का फंदा बन रही है। पर यह सरल नहीं है, मगर पाकिस्तान ने इसकी भी काट निकाल ली है। अब पाकिस्तान आधिकारिक स्तर पर सीपैक के पक्ष में बात करता है, मगर पीछे से बलूचिस्तान के अशांत क्षेत्रों में लोगों को सीपैक के खिलाफ भड़का रहा है। चीनी श्रमिकों और चीनी प्रतिष्ठानों पर भी अब हमले शुरू करने की रणनीति बनाई जा रही है। यानी सीपैक के पैकअप की खिचड़ी अब पाकिस्तानी चूल्हे पर चढ़ चुकी है। चीन को अंदेशा है कि पाकिस्तान दोगलेपन पर उतर आया है, इसलिए अभी इमरान को चीन से लौटे 2 हफ्ते भी नहीं हुए पर चीन ने अपने उपराष्ट्रपति वांग किसान को पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर भेज दिया है। बड़ी बात यह है कि वांग पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अलवी और इमरान खान से केवल सीपैक पर ही बात करने और कुछ नए समझौते करने आए हैं। खास बात यह है कि पहले इमरान खान बार बार चीन जा रहा था, मगर आईएमएफ से पकी खिचड़ी के बाद अब चीन का उपराष्ट्रपति पाकिस्तान में डोरे डालने आया है।
पर यह पाकिस्तान है, गिरगिट इनके सिर पर बैठकर चलता है। यह मुल्क एक बार मक्कारी पर उतर आए तो फिर वफादारी कभी नहीं करता। 60 अरब की लागत वाले सीपैक को बचाने के लिए चीन अब पाकिस्तान की शरण में है। इसी सीपैक को लेकर चीन कुछ और समझौतों के बहाने पाकिस्तान के चेहरे पर वेलकम पाउडर लगाकर उसका श्रृंगार करना चाहता है। पर पाकिस्तान अब IMF के पाले में बहुत हद तक जा चुका है, यानी इस मक्कार मुल्क को साधने में चीन ने बहुत देर कर दी, यानी पाकिस्तान चीन के हाथों से सरक चुका है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान अब भारत के पीछे चलकर अपने दिन सुधारना चाहता है, पर भारत इस मुल्क को आगे बढ़ाने में मददगार होगा यह संभव ही नहीं, असंभव है, क्योंकि भारत जानता है यह विषधारी नाग है जो गलत अवसर पर सही डंक मारता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।